हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे कॉफ़ी, कैफेचिनो कॉफ़ी बनाएंगे आज हम घर पे ही। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाली कॉफ़ी आज हम बनाएंगे, और जैसे कि आपने होटल में पी है उस तरह की कॉफ़ी आज हम बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं आपको वैसे कोल्ड कॉफ़ी बनाना बताऊँगी और हॉट कॉफ़ी भी बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी हॉट कॉफ़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये ब्रू का कोल्ड का कॉफ़ी। आप कोई भी ले सकते हो, नेस्ले का ले सकते हो, कोई भी कॉफ़ी आप ले सकते हो, जो भी ब्रांड का आपको पसंद है। तो ब्रू का कोल्ड कॉफ़ी मैंने स्पून से यहाँ निकाल लिया है क्योंकि मैं स्पून से मेजरमेंट करने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं सिर्फ चीनी ले रही हूँ, सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट से मैं ये कॉफ़ी बनाऊँगी। मैंने यहाँ पर लिया है एक ब्लेंडिंग जार, इसमें मैं ऐड कर दूँगी 5 टेबल स्पून की जितनी है कॉफ़ी। मैंने यहाँ पर कॉफी ऐड किया है और इसके साथ साथ अब मैं यहाँ ऐड करूँगी, ये मैंने 5 टेबल स्पून कॉफी लिया है तो उसका 3 गुना मैं चीनी ऐड करूँगी, यानी कि मैं 15 चम्मच जितनी यहाँ पर चीनी ऐड करूँगी। चीनी ऐड किया है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर 5 चम्मच पानी ऐड करूँगी। पाँच चम्मच चीनी पानी ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसे ढक्कन लगाकर और इसे मैं ब्लेंड करूँगी। अगर आपको लगे कि आपकी कॉफ़ी ठीक हो तो जरिए से बीच बीच में हिलाते रहिएगा और इसे एक साथ ब्लेंड मत कीजिएगा, थोड़ी देर घुमाइएगा फिर बंद कर दीजिएगा। इस देखिए इस तरह मैं थोड़ी देर घुमाइएगा फिर बंद कीजिएगा, फिर थोड़ी देर घुमाइएगा फिर थोड़ी देर बंद कीजिएगा। देखिए धीरे धीरे हमारी कॉफ़ी जो ठीक होनी शुरू हो जाएगी और इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ी देर और घुमाऊँगी। मैंने इसे सिर्फ 2 मिनट ही अभी घुमाया है, इसे मैं 2-3 मिनट और चला लूँगी। देखिए 2 मिनट और घुमाने के बाद इसका कलर और ज़्यादा चेंज हो गया, आप देख पा रहे हो यहाँ कलर अलग है और यहाँ पे अलग है। अभी मैं इसे 2-3 मिनट और घुमाऊँगी। मैंने कंटिन्यू नहीं चलाई है मिक्सी, सिर्फ 30-30 सेकेंड के गैप में मैंने मिक्सी चलाई है और मिक्सी का जार हमारा बहुत गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कलर हमारा थोड़ा चेंज हो गया। अब हम इसे हैंड से मिक्स करेंगे। अभी मैं इस तरह का एक बर्तन ले रही हूँ, बड़ा आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, कांच का भी ले सकते हो, लेकिन उसमें केयरफुली आपको उसमें मिक्स करना होगा। तो मैं स्टील का ले रही हूँ और ये पूरा हमारा जो कॉफ़ी का हमने जो बैटर बनाया था उसमें डाल दूँगी। देखिए कितना बैटर लग रहा है। अभी ये कॉफ़ी रेडी नहीं हुई है, अभी हमें इसे लगभग 10 से 15 मिनट हाथ से इसे हमें मिक्स करना है, जब तक इसका जो एक फोम तैयार करना है इसका हमें, जब तक ये फोम में कन्वर्ट नहीं हो जाती है तब तक हमें इसे हैंड से मिक्स करते रहना है। देखिए मैंने इसे सारी कॉफ़ी निकाल ली। का एक मिक्सर ले लीजिए, उससे इसको अभी इसका कलर देखिए। अभी मैं इसे 2-3 मिनट तक लेने के बाद मैं आपको इसका फिर से कलर चेंज करता हुआ दिखाऊंगी और ये थोड़ी सी थिक और ज़्यादा थिक हो जाएगी। देखिए 5 मिनट बाद ये और भी ज़्यादा थिक होनी शुरू हो गई है। अभी इसे लगभग 10 मिनट और मैं इसे मिक्स करूँगी। जितना आप मिक्स करेंगे उतना इसका ये फोम टेक्सचर में आ जाएगी, टेक्सचर में। तो ये बहुत ही अच्छी फ्लफी कॉफ़ी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, फेरते फेरते मुझे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और अभी देखिए फोम में कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत ही स्लो बन धीरे धीरे गिर रही है, ये देखिए। एक कंटेनर में स्टोर करके
आप इसे कंटेनर में लगभग एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर में। लेकिन इसका थोड़ा सा कलर जो है वो इस तरह का जरूर हो जाएगा। यानी कि पहले इसका कलर कैसा था आप देख रहे हो, और अब वाली कॉफी का कलर देखो इस तरह का हो गया। तो आप कंटेनर में इसे रख सकते हो बनकर। मैं यहाँ पर इस तरह की कांच की बोतल ले रही हूँ, आप कोई भी बोतल ले सकते हो घर में जिसे आप यूज करते हो। देखिए इतनी थिक है कि इसमें से उतर भी नहीं रही है। कॉफी के मग में डालकर मिक्स करके निकाल लेंगे, इसे भी हम नहीं होने देंगे। अब मैं इसको इसमें भर लूंगी। कंटेनर पूरी तरह से भर गया है। मैं इसे ढक्कन लगाकर फ्रिज में रखूंगी। फ्रीजर में आपको रखने की जरूरत नहीं है, इसे फ्रिज में रखिएगा। इस तरह से वैसे आप महीने तक यूज कर सकते हो। फिर इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाएगा। अगर आपको लगे कलर डार्क है हल्का सा, तो आप उसे हल्का सा स्पून से मिक्स कर लीजिएगा ग्लास में, और वापस इसी कंटेंसी में आ जाएगा इसी कलर में। और फिर मेरे पास इसमें बैटर है, मैं उससे आपको कॉफी बनाकर बताती हूँ। कॉफ़ी है उसे ऐड कर दिया, और उसमें थोड़ा सा गर्म मिल्क ऐड किया है मैंने, हॉट मिल्क। और अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो कॉफ़ी है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी हमारा गर्म दूध। आप चाहे तो इसे ठंडा दूध डालकर इसमें और इसे एक मिनट के लिए माइक्रोवेव कर सकते हो, इससे भी आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनेगी। नहीं तो आप अगर माइक्रोवेव नहीं करना चाहते हो तो आप इसमें गर्म दूध ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद आप इसमें इसके ऊपर एक चम्मच के जितना फिर से कॉफ़ी ऐड कर दीजिएगा ऊपर से रोदी वाला कॉफ़ी। और फिर थोड़ा सा इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड करूँगी मैं, कॉफ़ी वाला चॉकलेट वाला पाउडर है ये। उसके बाद हमारी हॉट कॉफ़ी बनकर रेडी हो गई, आप इसे सर्व कर सकते हो। और उसमें मैंने एक चम्मच के जितनी रोदी कॉफ़ी ऐड किया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कोल्ड मिल्क ऐड किया है, और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मेरी कॉफ़ी बड़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, पतीले में मैंने ठंडा दूध ले लिया है, उसमें मैं इस तरह से ऊपर नीचे दूध डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि झाग बन रहे होंगे, जिससे इसका क्रीमी सा एक टेक्स्चर बनकर आएगा। और साइड में मैंने एक कांच का गिलास ले लिया है, जिसमें मैंने हर चीज़ का चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर दिया है, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और अब मैं इस कॉफ़ी को उसमें ऐड कर दूँगी। कॉफ़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत स्वादिष्ट लगेगी आपको। बच्चों को भी ऐसे अगर बना के दोगे तो उन्हें पीने में बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट कॉफ़ी का जो चॉकलेट पाउडर है उसे ऊपर से छिड़क दिया, जिससे कि कॉफ़ी हमारी बहुत अच्छी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरा अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah, yeah.